आस्था और विश्वास की भूमि। यहाँ पग पग पर है पवित्र स्थान। यहाँ गहरे रिश्तों में बंधे हैं भक्त और भगवान। विधियां हैं अलग अलग, किंतु विश्वास का रंग है एक। एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे रास्ते हों अनेक। हर रास्ता होकर गुजरता है विश्वास के किसी द्वार से। कोई है सदियों से मौजूद, तो कोई है युगों के पार से। क्या इन पवित्र स्थानों की भी है कोई कथा? क्या हमारे विश्वास का भी है कोई इतिहास? आइए मिलकर चलते हैं इन पवित्र स्थानों के सफर पर और खोजते हैं कथा विश्वास के इतिहास की। कण कण में तेरी शक्ति, एक तू ही थामे बैठा है सारे जग की डोर। है बात यहां पर धर्म की, पुण्य के सत्कर्म की। श्रद्धा भाव और मर्म की विडंबना है, भावना है, तपस्या है और कामना है। सदाचार है नीतियां जो शिक्षा ज्ञान प्रकाश की। ये है कथा नमस्कार, कथा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हिमांशु सोने। आज मेरे पीछे जिस द्वार को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये मोक्ष का द्वार है। क्योंकि ये उस नगरी का द्वार है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है, जहाँ देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं कि ऐसा कहा जाता है यदि आप एक चावल की बोरी लेकर निकलेंगे और हर एक मंदिर में केवल एक एक कण चढ़ाते जाएंगे तो भी चावल समाप्त हो जाएंगे, किंतु मंदिर शेष रह जाएंगे। संपूर्ण संसार में केवल एक ही ऐसी नगरी है। जी हाँ, हम हैं मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन में। दोस्तों, संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, दुआ कबूल होती है। कहीं आपको सांसारिक सुखों का दान मिलता है तो कहीं बेहतर सेहत का, कहीं आपको संतान का दान मिलता है तो कहीं सौभाग्य का। किंतु आज मैं आपको जिस मंदिर की कथा दिखाने जा रहा हूं, संसार में एकमात्र यही पवित्र स्थान है जहां आपको जीवन का दान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप पर अकाल मृत्यु का साया ही क्यों ना हो, यदि आप इनकी शरण में चले गए तो आप निश्चिंत हो जाइए, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये स्वयं महाकाल है। जय महाकाल। कहते हैं बाबा महाकाल की पूजा करने से
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु बाबा महाकाल की पूजा करने की एक खास विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भक्त को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए, उसके पश्चात वीरभद्र जी के दर्शन प्राप्त कर महाकाल के दर्शन प्राप्त करने चाहिए, उसके पश्चात नंदी के कान में अपनी मनोकामना बतानी चाहिए और अंत में हमें साक्षी गोपाल के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस क्रम से की गई पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामनाएं हैं तो चलिए मेरे साथ, हम सब मिलकर पूजा करते हैं बाबा महाकाल की और लेते हैं उनका आशीर्वाद। एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है यहाँ, परम शांति की, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जानते हैं, बचपन में मैं हमेशा सोचा करता था कि महाकाल का मंदिर केवल उज्जैन में क्यों है, मेरे घर के आसपास क्यों नहीं? अगर मेरे घर के आसपास होता तो मुझे इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। किंतु तब मैं बहुत छोटा था, इस रहस्य को नहीं जानता था। किंतु आज मुझे इस रहस्य के बारे में पता चल गया है और इसका रहस्य छिपा है एक पौराणिक कथा के भीतर। शिव पुराण के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र में वेदपति नाम के महान शिव भक्त रहा करते थे और एक दिन वो अपनी साधना में लीन थे। प्रभु, क्या हुआ पिताश्री? कुछ देखा मैंने, भव्य परंतु भयानक। मैंने स्वयं महादेव को देखा, इतने क्रोधित, इतने रुद्र, मानो कि स्वयं मृत्यु लग रहे हो। काल बनकर आए थे वे। हे प्रभु, इस आभास का अर्थ और कारण क्या हो सकता है पिताश्री? उस आभास का अर्थ आने वाला समय ही बता सकता है, पर तब तक हमें संपूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पर चलना होगा। शंभो! हे देव, वेदपति को आपके रौद्र रूप के दर्शन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने इस रौद्र रूप के दर्शन मैंने केवल वेदपति ही नहीं अपितु संसार के अनेक ज्ञानी ध्यानी ऋषियों को करवाएं, क्योंकि आने वाला संकट केवल उनकी भक्ति की ही नहीं अपितु उनकी सोच की परीक्षा भी लेगा। किंतु ऐसा कौन सा संकट आने वाला है देव? एक असुर। जो धर्म के पथ पर चलकर संसार में अधर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। कौन है वो देव? दैत्य माता दिति का पुत्र दूषण। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे काल से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस धरती पर धर्मराज स्थापित कर सकूं। दूषण, हम तुम्हें ये वरदान तुम्हारी कठोर तपस्या, अथक परिश्रम और सत्कर्मों के फल स्वरूप दे रहे हैं। अब से तुम तीनों लोगों में महाशक्तिशाली बन जाओ और स्वयं काल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें अथाह शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु शक्ति के साथ आता है दायित्व। जहां तुम्हें शक्ति के साथ
सद्गुणों का सामंजस्य स्थापित करना होगा। ओम ब्रह्माय नमः। तुम सभी देवी देवताओं ने ऐसे कई नियम बनाए जो तुम सबके हित में थे। अब मैं तुम्हारे पुराने सारे नियम तोड़ दूंगा और अपने नियम स्वयं बनाऊंगा। अब धर्म का राज नहीं, दूषण का राज होगा। अच्छा, तो अब दूषण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, किंतु उसे ये बात पता नहीं है कि आदि से अनंत काल तक के लिए महादेवी इस ब्रह्मांड के राजा थे, हैं और रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के निवासियों ने किसी भी काल में महाकाल के अलावा किसी और को अपना राजा नहीं माना, और हमने तो ये भी सुना है कि किसी भी काल में, किसी भी युग में कोई दूसरा राजा मंदिर तो छोड़िए उज्जैन में भी रात नहीं काट सकता। और आज जब देश में लोकतंत्र है, तब भी यही मान्यता है। इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी उज्जैन में रात्रि में नहीं रुकते। और तो और, कोई भी व्यक्ति अपनी बारात को महाकाल के मंदिर के सामने से लेकर नहीं जाना चाहता। और शायद यही कारण है कि उज्जैन में महाकाल का एक राजा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। उन्हें पगड़ी और सोला से सुसज्जित किया जाता है। ये सारी जो आप पगड़ियां देख रहे हैं, ये वो पगड़ियां हैं जो महाकाल को उनके भक्तों ने अर्पित की हैं। किंतु अब इन सभी पगड़ियों को संग्रहालय में रख दिया गया है, और ये सारी पगड़ियां महाकाल की शान में एक झलक मात्र है। यदि आप महाकाल की शान देखना चाहते हैं, तो आप सावन के महीने में आइए। सावन के महीने में हर सोमवार को राजा महाकाल की ऐसी यात्रा निकलती है कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक चक्रवर्ती सम्राट अपने पूरे लावो लश्कर के साथ अपनी प्रजा से मिलने आया। वैसे तो इस मंदिर को महाकाल के नाम से जाना जाता है, किंतु इस तीन खंड वाले मंदिर में महादेव महाकाल के अतिरिक्त दो और रूपों में विराजमान है, नागचंद्रेश्वर और ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर और महाकाल की पूजा प्रतिदिन की जाती है, जबकि नागचंद्रेश्वर की पूजा साल में एक बार की जाती है, और उसी दिन उनका मंदिर भी खुलता है, नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन आपके और मेरी तरह लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन सांपों के राजा तक्षक भी यहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं। अब जिसके इतने उपासक हूँ, इतने भक्त हूँ, उन्हें चुनौती देने आ रहा है एक महाराक्षस दूषण। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूं। मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, शिक्षक साधारण नहीं होते, वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष होते हैं। तो जाओ। तुम सभी गुरुजन, ऋषि जन, तुम सभी धर्म के प्रचारक ही तो हैं, जो इन शास्त्रों का प्रचार और प्रसार करते हैं। तुम्हारा और इन धर्म शास्त्रों का बल ही तो है कि समस्त संसार देवताओं को पूजनीय मानता है। तुम्हारे ज्ञान की डोर थाम कर समस्त संसार के प्राणी देवताओं को शक्ति का ही अनंत स्रोत मानते हैं। किंतु नहीं, अब और नहीं,
अब आस्था और विश्वास की धरा का अंत होगा। रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। क्या धर्म है? ज्ञान का अपमान महापाप है। धर्म और अधर्म की इसी परिभाषा को तो बदलना है मुझे, इसलिए अब मैं महाशक्तिशाली असुर राज दूषण एक नए संसार का निर्माण करूंगा। एक ऐसा संसार जहां ना तो कोई शास्त्र होंगे, ना धर्म होगा, ना ज्ञान होगा, ना ही होंगे तुम्हारे पूजनीय देवी देवता। एक ऐसा संसार होगा जहां केवल मेरी शक्ति और मेरे बल को पूजा जाएगा। हर गुरु हर ज्ञानी यही प्रचार करेगा कि समस्त ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारी मति को भ्रमित कर दिया है। अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर तुमने अपना विवेक खो दिया है। परंतु स्मरण रहे, समस्त सृष्टि में अनंत शक्तियों का स्रोत और सर्वशक्तिशाली केवल एक है, और वो है महादेव। महादेव, महादेव, महादेव। सावधान ब्रह्मन्, महादेव, महादेव और महाराक्षस पहली बार आमने सामने आए हैं। क्या आपको पता है महाकाल ज्योतिर्लिंग इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण यम अर्थात काल की दिशा। महाकाल का मुख दक्षिण की ओर होना हमें ये बताता है कि उनकी सदैव दृष्टि काल पर बनी रहे, जिससे वो काल को नियंत्रण में रख सके। और आज काल रूपी दूषण पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। अब देखना यह है कि दूषण नियंत्रण में रहता है या नहीं। देखते हैं। सावधान दूषण, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। यदि तुमने अपने पाप की गाथा पर पूर्ण विराम नहीं लगाया और इसी प्रकार निर्दोषों का रक्त बहाकर अधर्म और अत्याचार के पथ पर अग्रसर रहे तो अपने काल के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे। यदि ऐसा है तो अभी इसी क्षण आप मुझे मार क्यों नहीं देते? मैंने इस ब्राह्मण के शास्त्रों को जलाया, ग्रंथों को जलाया और इसे मारने का प्रयास भी किया। अब इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? आइए आइए और दंड दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे। संसार के प्रत्येक व्यक्ति का अंत, उसका काल तभी आता है जब उसके पापों का कोई प्रायश्चित शेष ना रह जाए। आज ना तो ये ब्राह्मण तुम्हारे हाथों मरेगा और ना तुम मेरे हाथ, परंतु ये बात स्पष्ट रूप से समझ लो दूषण कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का कर्म फल भोगना ही होता है। अतीत में की हुई भूल के दंड स्वरूप आज तुम्हारे हाथों बंदी बनना इस ब्राह्मण का कर्म फल है जो ये भोग रहा है। परंतु अब तुम अपने कर्म फल की चिंता करो, क्योंकि यदि अपने अहंकार के मद में चूर तुम इसी प्रकार अधर्म और पाप के मार्ग पर अग्रसर रहे तो तुम्हारे अंतकाल का समय और स्थान मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महादेव। जाओ जाओ और जाकर सभी शास्त्रों को नष्ट कर दो। जहां भी गुरुकुल देखे उसे जलाकर भस्म कर दो। सभी ऋषियों और गुरुजन को बंदी बनाकर भक्ति और धर्म के प्रचारकों को मेरे सामने लेकर आ।
शीघ्र ही मैं ये सुनिश्चित करूंगा महादेव कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति शेष ना रहे जो आपके नाम का जप करता हो। आपको और आपके सभी भक्तों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। भगवान को, धर्म को, उनके नाम को मिटाने का प्रयास दूषण से पहले और उसके पश्चात कई अधर्मियों ने किया। सन 724 से लेकर 1531 तक महाकाल के इस मंदिर को कई बार लूटा गया, इसे क्षति पहुंचाई गई, पर जितनी भी बार इस मंदिर को गिराया गया उतनी ही बार महादेव के उपासकों ने, उनके भक्तों ने इस मंदिर को ना ही दोबारा उठाया बल्कि इसे पहले से बेहतर बनाया। और आज जब हम इस मंदिर के शिखर को देखते हैं तो इस मंदिर के शिखर पर लगे ये 108 कलश जिन पर सोने की परत चढ़ी है हमें बताती है ना ही धर्म को कोई मिटा सका है और ना ही कोई इसके कलश को खाली कर सकता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि महादेव के नाम को मिटाने के लिए दूषण क्या करता है। कथा में आप सभी का पुनः स्वागत है। ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ रामचंद्र जी के बेटे कुश और वानर राज सुग्रीव भी महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। इससे ये साबित होता है कि ये मंदिर त्रेता युग में भी उपस्थित था और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु आज महाकाल के जिस भव्य मंदिर को आप लोग देख रहे हैं इसका निर्माण 1732 में रामचंद्र बाबा शिणवी ने करवाया जो राणा जी सिंधिया की महारानी के मुनीम थे और महाकाल के बहुत बड़े भक्त। और इधर दूषण है जो चाहता है कि महाकाल का कोई भक्त ही ना रहे और सब महाकाल को छोड़कर उसकी पूजा करें। क्या ऐसा हो पाता है? आइए देखते हैं। बंदी बना लो इन सबको, आश्रम को जलाकर नष्ट कर दो। इन सबको असुरराज दूषण के पास ले चलो। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए महादेव, हमारे द्वारा दिए गए वरदान का दूषण दुरुपयोग कर रहा है। पृथ्वी लोक पर दूषण की सेना ने कोहराम मचा रखा। ये धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं है ब्रह्मदेव, अपितु धर्म और कर्म का है। ये सत्य है कि आस्था और विश्वास व्यक्ति के लिए उचित मार्ग प्रशस्त करते हैं, परंतु उस उचित मार्ग पर चलते हुए उचित कर्म करने का निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना होता है। केवल भक्ति और आस्था ही पर्याप्त नहीं। अर्थात आप दूषण के आतंक का अंत नहीं करेंगे देव? अवश्य करूंगा देवी, परंतु मेरी सहायता केवल उनके लिए होगी जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुकर्म करेंगे, क्योंकि धर्म का आधार भी तो कर्म ही होता है। जय महाकाल। लीजिए, ब्रह्मदेव को भी यह पता चल गया कि उनके द्वारा दिया हुआ वरदान अब समस्या का कारण बनता जा रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि त्रिदेवों में से किसी एक का वरदान समस्या बन जाता है और किसी दूसरे को उस समस्या का निदान करना होता है। पहले मैं ये सोचता था कि ऐसे वरदान दिए ही क्यों जाते हैं, फिर समय के साथ साथ मैंने धीरे धीरे जाना जब मनुष्य अपनी योग्यता को बढ़ाता है तो ईश्वर को उसकी योग्यता के लिए उसे पुरस्कृत करना होता है। और ये बात त्रिदेव भली भांति जानते थे, इसीलिए उनकी घनिष्ठता पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। और इसका उदाहरण उज्जैन में भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार किसी विशेष अवसर पर हम अपने मित्र से मिलने जाते हैं
वैसे ही त्रिदेव भी एक दूसरे से मिलते हैं और इस मिलन को हरिहर मिलन कहते हैं। जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को महाकाल अपने मित्र विष्णु जी से मिलने उनके घर गोपाल मंदिर जाते हैं, वैसे ही विष्णु देव भी अपने मित्र महाकाल से मिलने जाते हैं। जैसे ब्रह्म देव आए थे अभी महादेव से मिलने, लेकिन महादेव ने जो कहा उसका क्या अर्थ है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। हे प्रभु, आप मुझे कैसा संकेत देना चाहते हैं? अपने रुद्र रूप के दर्शन क्यों करवाए आपने? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए प्रभु। आप बचाओ, कोई है। ये पुकार किसकी है? बचाओ, कोई है, सहायता कीजिए मेरी। ये तो नालंदा के मुख्य पुरोहित है। औषधि लाओ शीघ्र, शीघ्र करो। मैं इनकी पुत्री हूँ। असुरा दूषण की सेना ने हमारे नगर पर आक्रमण करके सभी आश्रमों में आग लगा दी है और ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया है। कृपया कर हमें अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने जिस संकट की ओर संकेत दिया था, और कोई नहीं असुरराज दूषण है। वेदपति को उज्जैन की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के चारों ओर 84 शिवलिंग स्थापित हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग उज्जैन की सुरक्षा करते हैं। जिस प्रकार हर निर्माण के बाद विनाश तय होता है, उसी प्रकार हर विनाश के बाद निर्माण भी तय होता है। और पुराणों के अनुसार हर विनाश के पश्चात नई सृष्टि का सूर्य उदय राजा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही होगा। किंतु वेदपति जी, हमारे राजा तो अपनी समूची सेना लेकर शत्रु से युद्ध करने के लिए चले गए हैं। हम मुट्ठी भर सैनिक असुरराज दूषण उनकी शक्तिशाली और निडर सेना से युद्ध कैसे करेंगे? देखिए, उज्जैन हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है, और इसके सहस्त्र उपकार हम पर। और आज वो समय आ गया है उन उपकारों का ऋण चुकाने का। भय और आतंक के छाव में जीने से उचित यही है कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सज्ज हो जाएं। किंतु पिताश्री, हम इतनी बड़ी नगरी की सुरक्षा का प्रबंध कैसे करेंगे? एक उपाय है, आओ मेरे साथ। दूषण का सामना करने के लिए वेदपति के साथ आज ना कोई राजा है और ना ही कोई सेनापति। पर जिस प्रकार एक राजा का सेनापति होता है और उस सेनापति का कर्तव्य होता है उस राज्य की रक्षा करना, उसी प्रकार राजा महाकाल के भी सेनापति हैं और उनका नाम है काल भैरव। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं काल भैरव के हाथ में इस उज्जैन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी है। मेरे पीछे जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, ये उन्हीं काल भैरव का मंदिर है और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। और आप ये बात जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इनके चढ़ावे में चढ़ाई जाती है मदिरा, और ऐसी मान्यता है कि ये स्वयं उस मदिरा को ग्रहण भी करते हैं। अब काल भैरव इस मदिरा को क्यों ग्रहण करते हैं, इन्हें यहाँ किसने स्थापित किया, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, लेकिन वो कथा हम देखेंगे किसी और एपिसोड में। किंतु इस समय राजा महाकाल की कथा जारी रहेगी। अभी समय है अल्प विराम का। कथा में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब ने देखा कि काल रूपी दूषण ने सबको परेशान कर रखा है। अब काल का तो दूसरा अर्थ ही मृत्यु होता है, किंतु आप जानते हैं काल का एक और अर्थ होता है समय। और इस मंदिर क्षेत्र को शास्त्रों में महाकाल वन कहा गया है, और वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ से चांद और सूरज की गति का सटीक पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब वो सूर्य के सबसे पास पहुंचती है, वो भाग जो सूरज के सबसे पास होता है वो महाकाल वन है। ये तो हुई समय वाले काल की बात। अब देखते हैं मृत्यु रूपी काल दूषण से निपटने के लिए वेदपति क्या करते हैं। हम शिप्रा नदी के जल से
और उज्जैन की पावन माटी से अपनी नगर की रक्षा करेंगे। हमें नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करनी है। मैं जानता हूं कि दूषण की शक्ति की आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी, परंतु हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा स्वयं की रक्षा करने का। पता चले ऐसे भी हो सकता है कि हमारी सेना युद्ध से वापस भी आ जाए, तो बताइए कि आप सब मेरे साथ हैं? हम दीवार बनाने के लिए सज्ज हैं वेदपति जी। अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपनी नगर की रक्षा के लिए हमें अनेकों प्रयास करने हैं। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करने में सक्षम होता है, जिसमें वह सामर्थ्य होता है। हमें स्वयं की रक्षा करने के लिए हमें कर्म पथ पे चलना होगा, बाकी शेष महादेव पर छोड़ दें, वे अवश्य हमारा उचित कर्म फल देंगे। कर्म विहीन भक्ति व्यर्थ है देवी, जीवन के इस सार को कदाचित केवल वेदपति ने ही समझा है। अर्थात आप दूषण से लड़ने में वेदपति की सहायता करेंगे देव? पहले उन्हें प्रयास करने दो, परंतु यदि उसके उपरांत भी उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं उज्जैन में अवतरित होकर दूषण का काल बनूंगा। महाज्ञानी ब्राह्मणों, ये भस्म देख रहे हो? ये भस्म मैं तुम्हारे सहस्त्र शास्त्रों और ग्रंथों की, जिन्हें जलाकर उसकी भस्म से मैं स्वयं को इसलिए तोल रहा हूं ताकि पूरे संसार को यह बता सकूं कि इस पृथ्वी लोक पर अब मेरा पलड़ा भारी रहेगा। अब यदि यहां किसी की पूजा होगी तो केवल मेरी, असुर राज दूषण की। क्षमा कीजिए असुरराज, किंतु एक समस्या आ गई है। कुछ पंडित और ऋषि हमारे बंदी बनाने से पूर्व ही भाग गए। उज्जैन नगरी उनकी शरणार्थी बन चुकी है। तो इसमें समस्या क्या है? बाकी नगरों की तरह उज्जैन का भी नाश कर दो। तुम उज्जैन नगरी को कभी नष्ट नहीं कर पाओगे असुरराज। सभी ऋषियों और पंडितों का उज्जैन नगरी में शरण लेने का एक ही कारण है। उज्जैन नगरी महादेव के सबसे बड़े और प्रिय भक्त वेदपति जी की नगरी है। यदि तुमने उज्जैन नगरी को नष्ट करने का प्रयास किया तो महादेव स्वयं आएंगे उसकी रक्षा करने। तुम बार बार मुझे महादेव की शक्ति का भय दिखाते हो, तो चलो अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आभास कराता हूं। यदि महादेव वहां आए उनकी रक्षा करने, तो दूषण स्वयं जाएगा विध्वंस करने। एक तुच्छ नगर को मुसलने के लिए मुझे किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमने भय और शिव के मध्य शिव को चुना है। तो स्मरण रखिए, जब तक महादेव हमारे साथ है वो दूषण की कुदृष्टि इन दीवारों को कभी भी भेद नहीं सकती। अचानक वातावरण में इतना बदलाव कैसे?
विभूषण है। ऐसे स्थान पर लेकर जाओ जो सुरक्षित है, जाओ। किंतु पिताश्री आप? मेरी चिंता मत करो, महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, जाओ। जी पिताश्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो तुम हो महादेव के वो भक्त वेदपति जिसके शरण में ये सब यहां उज्जैन में आके बस गए। वो मेरी शरण में नहीं मूर्ख, वो तो महादेव के शरण में आए हैं। फिर तुमने अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। तुझे अपने कुमार्ग और कुकर्म को सही करने का एक अंतिम अवसर दिया था, किंतु तेरी शक्तियों के अहंकार ने तेरा विवेक हर लिया है दूषण। तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की तेरी लालसा में तू स्वयं को काल और मृत्यु से परे समझने लग गया है, किंतु तू भूल गया दूषण कि स्वयं काल मेरे अधीन है। मैं महाकाल हूं और अब अपने महाकाल स्वरूप में मैं संसार से दूषण का अंत करूंगा।
दर्शन, तूने सभी धर्म ग्रंथ और शास्त्र जलाकर भस्म कर दिए, क्योंकि तू ये सिद्ध करना चाहता था कि तेरा पलड़ा धर्म से भारी है। परंतु अब समय आ गया है जब तू स्वयं भस्म में परिवर्तित हो जाए। ये जयकारा यहाँ सदियों से गूंज रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस जयकारे को केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर पंछी भी लगाते हैं। न जाने कहाँ से 4-5 हजार चिड़ियों का झुंड संध्या आरती के समय यहाँ आता है और मंदिर की परिक्रमा करने लगता है। और ये विहंगम दृश्य अधिकतर आपको सावन के महीने में और शीत ऋतु में देखने को मिलेगा, है ना अनोखी बात। आगे देखते हैं कि महाकाल के भक्त महाकाल का सत्कार कैसे करते हैं। प्रभु, हम सबको दूषण की सेना से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उज्जैन नगरी और सभी महादेव भक्तों के लिए आपने जो कृपा की है, उसके लिए हम सब सदैव आपकी ऋणी रहेंगे। जानते हो वेदपति, अपने भक्तों की रक्षा हेतु मैं अन्य नगरियों के स्थान पर केवल उज्जैन में ही क्यों आया? क्योंकि मेरे अन्य भक्तों से भिन्न तुमने अपना सब कुछ केवल अपने आराध्य, उनकी भक्ति और धर्म पर ही नहीं छोड़ दिया, अपितु कर्म का हाथ थामा और अपने धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया। आप सबके पास भी वही ज्ञान था जो वेदपति के पास है, परंतु फिर भी आप सब धर्म और भक्ति की डोर को ही थामे रहे, मुझसे अपने संरक्षण की अपेक्षा करते रहे और इसी कारण दूषण के आतंक और अत्याचार को झेलते रहे। यही कारण है कि आप सबकी तपस्या फलित नहीं हुई, क्योंकि बिना कर्म किए धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। वेदपति, जीवन के इस सत्य को केवल तुम ही समझ पाए कि जीवन रूपी रथ के दो ही पहिए होते हैं, कर्म और धर्म। मैं तुम्हारी इस कर्मठता से अति प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देता हूं। मांगो, क्या मांगते हैं? प्रभु, आप तो स्वयं महाकाल हैं, काल अर्थात मृत्यु, वो भी आपके अधीन है। मैं तो केवल आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आप हमारी उज्जैन की पावन नगरी को और भी अधिक पावन कर दें। प्रभु, आप यहाँ पे सदा सदा के लिए उपस्थित रहने का वरदान दें, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे महाकाल जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे। तथास्तु। आज से अनंत काल तक उज्जैन की ये नगरी मोक्ष दायिनी के नाम से जानी जाएगी और यहाँ सच्चे मन से आया प्रत्येक श्रद्धालु जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसे कर्म का मार्ग प्रशस्त होगा, ताकि वो अपने जीवन में कर्म और धर्म दोनों को समान रूप से महत्ता दे सके। प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं आपकी एक विशेष पूजा करना चाहता हूं, इसका सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। अवश्य। आ,
देव के मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ की जाने वाली भस्म आरती, और उस भस्म आरती का रंग कुछ मुझ पर भी चढ़ा है, आप स्वयं ही देख लीजिए। अब मैं उनके भक्त से उनका पुजारी बन गया हूँ। पूरे संसार में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। जिस प्रकार शरीर के जलने के पश्चात भी आत्मा शेष रह जाती है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म को भी जलाए जाने के बाद उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो शेष रहती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महादेव हमसे स्वयं कह रहे हैं कि यदि मेरा श्रृंगार करना है तो ऐसी वस्तु से करना है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि मुझसे मिलने आना है तो केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से मिलाने का प्रयत्न करना। जय महाकाल। अगले एपिसोड में फिर किसी पवित्र स्थान की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे उससे जुड़ी रोचक कथा। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।